ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ब्रायोफाइट्स। सर स्क्रीन नहीं हुई अभी स्टार्ट। स्क्रीन नहीं दिख रही। नो ओके, सो आप देखो बेटा, बताओ मुझे। हो यस सर, अब हो गई। गई? ठीक है, तो सही है। होता है कई बार आपको स्क्रीन नहीं दिखती है, हमें दिख रही होती है। तो ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। ब्रायोफाइट्स हैं क्या? ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है, एक लाइन हम लोग याद रखेंगे हमेशा, दैट इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक है। ये सब के सब क्या है? एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के। देखो, सॉइल पे तो रह सकते हैं, दे कैन लिव ऑन सॉइल, मतलब सॉइल पे रह सकते हैं, मगर इनको वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? क्यों एम्फीबियन कहला रहे हैं? बिकॉज दे कैन लिव ऑन सॉइल बट रिक्वायर व्हाट? वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यस, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? ऑकर इन, जहां थोड़ी शेड हो, शेडी एरियाज में, ठीक है, शेडेड लोकेशन में, डैम्प लोकेशन में, ह्यूमिड लोकेशन में, तो वहां पर मिलेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखें, अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी की करी जाए बात, तो एल्गी से इनको कंपेयर करा जाए, तो इनकी एल्गी से तो ज्यादा ही डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। हालांकि ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम नहीं मिलेंगे, है ना? इनके पास क्या होगा? रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक, लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। वेरी गुड, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। चलिए, कैसी है भाई? थैलस लाइक है इनकी भी। कैसी? थैलॉइड, जिसमें आपका ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है। थैलस लाइक इनका स्ट्रक्चर है, इरेक्ट भी हो सकती है बॉडी, ठीक है, और अटैच रहता है टू द सबस्ट्रेटम बाय अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहा जाता है? राइजॉइड। बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज राइजॉइड। सुहानी बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है बेटा, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? राइजॉइड। इनमें सच्चे कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स कमा ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम्स, है ना? ना ट्रू रूट्स है, ना ट्रू लीव्स है, ना ट्रू स्टेम है। एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी या डिप्लॉइड? जो बॉडी थी कैसी थी? हैप्लॉइड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड थी। इनकी भी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। हाँ, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है। अब वो हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट, जो क्या बनाती है बेटा? गैमेट। दैट इज गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट होता तो क्या बनाता बच्चे? स्पोर्स। स्पोर्स बनाता, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक। अगर आपको याद हो, एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन थे, ठीक है, वो कैसे थे बेटा? लाइन याद आ रही है? नहीं याद आ रही? सर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड।
सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट में मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे बेटा? मल्टी सेलुलर। कैसे मिलेंगे बच्चों? मल्टी सेलुलर। तो साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने डिफरेंसेस भी देखते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर इनको आप देखेंगे तो मेल और फीमेल बिल्कुल अलग से दिखते हैं ना। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, डायग्रामेटिकली भी देखेंगे हम। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है इज नोन एज एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं बच्चा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? एंथ्रीडियम हो गया। ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमिट। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? मेल गैमिट। मेल गैमिट। और उस मेल गैमिट का नाम है एंथेरोजॉइड। पॉइंट क्लियर हुआ ये? यस सर। भाई मेल सेक्स ऑर्गन क्या है इनका? एंथ्रीडियम। क्या प्रोड्यूस कर रहा है मेल गैमिट जिसका नाम है एंथेरोजॉइड? एंथेरोजॉइड जो होते हैं वो आपके बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं। इसका मतलब एंथेरोजॉइड कैसा है, मोटाइल या नॉन मोटाइल? मोटाइल। एंथेरोजॉइड इज बाई फ्लैजेलेटेड। ओके, दैट मींस ये कैसे हैं बच्चों? मोटाइल। मोटाइल, ठीक है। चलिए लिखिए इतना। ओके, बाकी बच्चे लिखे। सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे सुनो। बस देखिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है आर्किगोनियम। क्या बोलते हैं बेटा? आर्किगोनियम। हाँ, आर्किगोनियम, ठीक है। अब इसका जो शेप होता है इस तरीके से होता है, केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा इसको। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कॉनिकल फ्लास्क। वेरी गुड, कॉनिकल फ्लास्क। तो आर्किगोनियम का शेप कैसा है? फ्लास्क लाइक। फ्लास्क शेप है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगी ये? एग ना। क्या प्रोड्यूस करती है? एग। ठीक है बच्चा, अब हमने पढ़ा था दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? द एंथेरोजाइट्स आर रिलीज इनटू द वाटर। किसमें रिलीज कर दिए जाते हैं? वाटर। इनटू द वाटर, वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। तब जाके ये कहां पहुंचता है? किसके पास? आर्किगोनियम के पास। एंड रीचेस दी आर्किगोनियम। अब वहां पे क्या करेगा? फ्यूज करेगा किसके साथ? मान लिया आर्किगोनियम है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक एग, है ना। फ्यूज करेगा वहां एग के साथ एंड प्रोड्यूस। तो फ्यूजन के बाद क्या बनता बच्चों? जाइगोट। बस खत्म बात। एंड प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। ये बात समझ में आई? यस सर। अब जरा देखना, ये मान लीजिए आपका है एंथ्रीडियम, ठीक है। ये क्या है बच्चों? आर्किगोनियम, ठीक है। सो इन द वॉटर, यस स्नेहा, आज बॉटनी की क्लास थी और बॉटनी ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक। एंड इन दिस वॉटर, वॉटर रिलीज एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड रीचेस द आर्किगोनियम। यहां पर क्या होगा? एग, फर्टिलाइजेशन। एग होगा, जिसके साथ क्या होगा बच्चे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट, ठीक है।
अब ये जायगोट जो है यहां पर ध्यान से सुनना, जैसे कि हमने एल्गी के केस में देखा था कि जायगोट क्या बनाता है, मियोसिस करके क्या बनाता है, स्पोर्ट्स बनाता है, याद है? यस सर। यहां पर ये मियोसिस करके स्पोर नहीं बनाएगा इमीडिएटली, क्या नहीं बनाएगा बेटा ये स्पोर्ट्स, मियोसिस करके स्पोर नहीं बनाएगा, बल्कि जायगोट क्या काम करता है, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है दैट विल प्रोड्यूस स्पोर्स, ये बनाएंगे स्पोर्स। एंड यू नो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ जायगोट, 2n। क्या पोलैरिटी होती है बेटा जायगोट की? 2n। यहां पर क्या हुआ? माइटोसिस। क्या बना? स्पोरोफाइट। इसकी पोलैरिटी भी क्या होगी? 2n। 2n। एंथ्रोजोइट की पोलैरिटी? n। n। एग की पोलैरिटी? n। n। ठीक है, अब क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या करता है यहां पर? मियोसिस करेगा। क्या करेगा बेटा? मियोसिस। मियोसिस करके क्या बनाएगा? स्पोर्स। क्या बनाएगा बच्चों? स्पोर्स, जिनकी पोलैरिटी होगी एन। एन एन होगी। ठीक है, अब ये स्पोर जर्मिनेट करके किसमें बदल जाएंगे? आइदर इनटू दिस और आइदर इनटू दिस। क्लियर? यस। समझ में आया लाइफ साइकिल बच्चे? यस सर। चलें बनाए। हो गया बच्चों? यस सर। बाकी बच्चों का भी हो गया? यस सर। ठीक ठीक, अभी बात करते हैं। क्वेश्चन देख लो, मैं कोई देने का है आपको क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक, अभी देते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि भाई एंथ्रिडियम एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस करेगा, जो कि वाटर में रिलीज होगा, किसके साथ फ्यूजन करेगा? एग के साथ। क्या बनेगा बच्चों? जायगोट। जायगोट इमीडिएट मियोसिस नहीं करेगा, क्या बनाएगा पहले? स्पोरोफाइट बाय सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस। वेरी गुड। ठीक है, स्पोरोफाइट विल परफॉर्म मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स एंड दे जनरेट इनटू गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वेदर इट इज आर्किगोनियम और एंथ्रिडियम और बोथ। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, अब जरा एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि बच्चों देखो, जो स्पोरोफाइट बना है ना, ये आपका गैमेटोफाइट से अलग नहीं रहता। सुनिएगा बात। ठीक है, स्पोरोफाइट जब भी बनेगा वो किस पे चिपका रहेगा? गैमेटोफाइट के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, तो इसको नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए? गैमेटोफाइट जो क्या करता है, इसको नरिशमेंट देता रहता है फोटोसिंथेसिस करते करते। ठीक है बेटा? यस सर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नहीं भूलना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? स्पोरोफाइट इज नॉट, कैसा नहीं है? फ्री लिविंग, कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। Is not free living. किसके साथ रहता है अटैच? अटैच टू गैमेटोफाइट। हाँ, और गैमेटोफाइट कैसा है? फोटो सिंथेटिक। ठीक है, एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और वहां से गैमेटोफाइट से क्या लेता है? नरिशमेंट। नरिशमेंट, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, yes, sir. चलिए लिखिए लाइन। डन सर। हो गया? यस सर। नो सर, नो सर।
डन सर। डन सर। हो गया सबका? यस सर। चले फिर आगे देखें। लिख लिया बच्चे? अभी एक बच्चे नो सर का था, लिख लिया? चले देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, मतलब ब्रायोफाइट खत्म करने के बाद। पहले ब्रायोफाइट को समझ लेते हैं। देखो ब्रायोफाइट के आपके दो ग्रुप्स में है, आप देखेंगे। पहला जो है लिवर वॉर्ड। पहला कौन सा बच्चों? लिवर वॉर्ड। अब ये लिवर वॉर्ड जो होते हैं बेसिकली ये कहाँ मिलते हैं? भाई जाहिर सी बात है ब्रायोफाइट का ही है, मॉइस्ट शेडी ऐसे इलाकों में मिलेंगे। ठीक है। फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड हैबिट्स, यहां मिल जाते हैं। अब इनकी प्लांट बॉडी, भाई जाहिर सी बात है थैलॉइड होगी, इनमें कोई खास तो स्ट्रक्चर होंगे नहीं। ठीक है, तो वैसा ही होगा। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि दिखता कैसा है ये लिवर वॉर्ड। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी जैसा बन जाए, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इस तरीके से बॉडी होती है। ठीक है, और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहे हैं आप? यस सर। ये ठीक, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग कहते हैं N3DO4। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी आर्किगोनियो 4। ये N3DO नहीं है, क्योंकि ये भी NCERT में नीट में पूछा जा चुका है। हम उसको आर्किगोनियो 4। देखो आर्किगोनियो 4 वो होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? आर्किगोनियम। ठीक है, एंड दिस आर्किगोनियम विल प्रोड्यूस एग। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको लगेगा कि भैया स्टेम लाइक है, पर ये स्टेम है नहीं। ये आपको लगेगा लीफ लाइक है, ये इस लीफ है नहीं। और ये आपको लगेगा रूट लाइक है, ये बेसिकली रूट है नहीं। ये क्या है बच्चों? राइजॉइड्स है। ठीक है, कैसे क्या है बेटा? राइजॉइड्स। ठीक है, अब अंदर मैंने कोनिकल शेप कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिवर वॉर्ड, ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर नथिंग बट द गैमा कप्स, है ना। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि भाई गैमा कप का काम क्या है। ठीक है, तो दो आपको मिलते हैं, एक तो मेल गैमेटोफाइट या मेल लिवर वॉर्ड मिल जाएगा, या दूसरा होगा फीमेल। अब फीमेल में मैं यही डिफरेंस बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा डायग्राम, एक और बना दे रहा हूं इसी में। मेल ये आपका फीमेल बना दिया है, अब बनाएंगे हम लोग मेल। मेल में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर कोई खास कायदे से लगा नहीं होता, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से है। आप फीमेल में देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है, अलग अलग उसके सारे स्ट्रक्चर लग रहे हैं। मेल में क्या होगा कि कोई खास उसमें आएगी नहीं खूबसूरती। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने दैट इज N3DO4। और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया फिर? N3DO। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? Yes, ठीक है। अब प्लांट बॉडी अगर इसकी
प्लांट बॉडी की अगर बात करूं तो ये प्लांट बॉडी कोई खास डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो उसको मैंने क्या कह दिया, थैलॉइड है ये। ठीक, कैसा है, थैलॉइड। अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से बाय किसके साथ बेटा, राइजॉइड से। ठीक है, दूसरी चीज इसमें रहती है कि अगर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग गैमा कप्स कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, गैमा कप्स बोलते हैं। ठीक है, गैमा है क्या, ठीक है, एक रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल समझते हो, जिसमें कोई चीज रखी हो, yes, जिसमें कोई चीज हो। गैमा एक्चुअली वो रिसेप्टिकल्स हैं जिसमें एसेक्सुअल बर्ड्स, गैमा कप्स हैं एक्चुअली रिसेप्टिकल, जिसमें एसेक्सुअल बर्ड्स पाए जाती है, जिनको हम लोग गैमा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लीजिए अंदर इनके छोटे छोटे गैमा प्रेजेंट हैं, ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे गैमा प्रेजेंट हैं। ये गैमा क्या काम करते हैं, गैमा कप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, ये यहां से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, गैमा डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, और डिटैच होके ये क्या करते हैं, डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो गैमा इज परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शन, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, यस गैमा, वेरी गुड, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, गैमा आर मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल नोन एज गैमा कप्स। ओके, दे डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द गैमा कप्स एंड जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गई, अच्छा। तो अब इनमें हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं इनमें, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग बात कर लें एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल में फॉर्मेशन ऑफ गैमा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमा, या गैमी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये है क्या, व्हाट इज गैमी, गैमे आर ए सेक्सुअल मल्टी सेलुलर एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड डेवलप इन कहां पर मिलेंगे बेटा, गैमा कप्स। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, यस सर। इवन इनमें जो दूसरा तरीका पाया जाता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, फ्रेगमेंटेशन, क्लियर, यस। चलिए लिखिए इतना, फिर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझे, डन सर, बाकी बच्चे भी लिख लें, डन सर, सबने लिख लिया, यस सर, यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, अब जरा सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होगा जैसे कि हमने पिछला पढ़ा था, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, ये रहेंगे ना, ठीक है। देखो ये आपके सेम थैलाई पे, जैसे कि हमने दिखाया दिखाया हमने यहाँ पे सेम थैलाई पे दिखाया एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लो, दिस इज ऑफ आई थिंक मर्केंशिया, मर्केंशिया में अलग अलग होता है, तो मर्केंशिया मत याद करो, रहने दो, मैं पीछे लिखा दे रहा हूँ, इधर लिखा दे रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं किसके केस में, यहां पर
मर्केंशिया, बिकॉज हमें क्या दिखाना अलग अलग, ठीक है. एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस एंथ्रेसोल्ट, ओके, एंड आर्किगोनियम विल हैव एग, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट. जाइगोट. नाउ द थिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस जाइगोट विल फॉर्म व्हाट? स्पोरोफाइट. आयना. क्या बनाएगा जाइगोट? ये स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है. अब जरा इस स्पोरोफाइट को गौर से देखना है ना बच्चों, कैसा दिखता है. इस स्पोरोफाइट का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक. दिस पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट इज नोन एज फुट. दिस पोर्शन स्टॉक इज नोन एज सेटा. And this portion is known as capsule. Clear? Yes, sir. Okay, the sporophyte is differentiated into how many parts? Three parts. Foot, seta, and? Capsule. And this sporophyte will produce what? Spores. And this spores on germination will produce new gametophyte. Clear? Yes, sir. ठीक है. Till then, ना, it will remain attached to gametophyte. ध्यान रखना. It will remain attached to gametophyte for nourishment. लिख लो बेटा. सब लोगों ने लिख लिया? यस सर. नो सर. लिखें बेटा, आराम से लिखें. डन सर. लिख लिया बच्चों? यस यस सर. ठीक है, आगे देखें. स्पोरोफाइट रिमेन अटैच विद द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट. ओके संजना? यस सर. ठीक है, अगला कौन सा बेटा? लिवरवॉर्ट के बाद मोजिस, है ना. पहला कौन सा था? लिवरवॉर्ट. और दूसरा कौन सा है? मोजिस. तो मैंने वहां पर भी कुछ लिखा नहीं है नंबर वन, तो यहां पर भी मैंने लिखा मोजिस. ठीक है, देखो, चाहे वो मोजिस हो चाहे वो आपका लिवरवॉर्ट हो, सब में जो आपकी प्रीडोमिनेंट फेज होगी उसमें गैमेटोफाइट ही रहेगा. पर यहां पर जो गैमेटोफाइट बनने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. अब जरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग यहां पर, बड़े इंपॉर्टेंट. पहले एक लाइन में लिख दे रहा हूं, प्रीडोमिनेंट स्टेज इन मोजेस इज गैमेटोफाइट. ये तो बात आपको पता ही है कि भाई क्या है बच्चों? गैमेटोफाइट है. अब इसमें गैमेटोफाइट की भी कितनी स्टेज देखने को मिल जाती है बच्चों में? दो स्टेज, ठीक है, दो स्टेज. अभी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा. आप मुझे बता देंगे क्या है ये बच्चा? ये क्या है? स्पोरोफाइट है. इतना पता है ना आपको, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट का ये जो एरिया है कैप्सूल, इसमें से बस्टिंग होगी और आपके स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है. स्पोर्स से आपको मालूम है क्या बनता है?
गैमेटोफाइट बनता है, ये तो पता है ना भाई, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, बस यही साइकिल है इनकी जिंदगी में है क्या भाई? क्या कर रहे हैं बेचारे ये, क्या गैमेटोफाइट से गैमेट बना रहा है, गैमेट फ्यूजन करके क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट, यही तो हो रहा है बच्चों। यस सर, स्पोर प्रोड्यूस करके वापस से क्या बना देता है, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस में क्या हो रहा है, जो आपका स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स है अंदर, ठीक है, इन स्पोर्स से पहला गैमेटोफाइट बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोनेमा स्टेज स्टेज, ठीक है, प्रोटोनेमा स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट दिखता है वो क्रीपी, क्रीपी मतलब रेंगने वाला, इस तरीके से दिख रहा है आपको? यस सर, क्रीपी ब्रांचिंग फ्लामेंटस गैमेटोफाइट दिखता है। अगर आपको क्रीपी, क्रीपिंग, क्रीपी नहीं, क्रीपी तो गंदा हो गया, क्रीपिंग ब्रांचिंग और तीसरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा स्पोर से बनने के बाद, तो आप उसको क्या बोल लोगे? प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा, ये कोई मैच्योर गैमेटोफाइट नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल प्रोटोनेमा। बात समझ में आ गई, जुवेनाइल गैमेटोफाइट, क्लियर? यस सर। अब क्या होगा, इस प्रोटोनेमा में सेकेंडरी प्रोटोनेमा अराइज होगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए और ये ब्रांचिंग हुई, ठीक है, ये हुई, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, यहां पर दिखाऊंगा मैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं, दिख रहे हैं आपको? यस सर। क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब ये लीफ जो होती हैं वो स्पाइरली अरेंज होती हैं, हम बना नहीं पा रहे हैं, पर कैसी होती हैं बच्चे? स्पाइरली अरेंज लीफ होती हैं, और जिन पर अटैच रहता है बेटा क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, थोड़ा मैंने बड़े बना दिया स्पोर्स इस बार, ठीक है। ये जो नीचे का स्ट्रक्चर हमारा बना है ये क्या है, गैमेटोफाइट। इसको नंबर टू मैं लिख रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी स्टेज, लीफी स्टेज। तो मोजिस में आपने क्या देखा कि जो गैमेटोफाइट बन रहा है उसमें कितनी स्टेजेस आ रही है बच्चों? दो स्टेजेस। पहली प्रोटोनेमा वो किससे बना है बेटा, सवाल पे सवाल आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। प्रोटोनेमा किससे बना है बच्चों? स्पोर्स। वेरी गुड, प्रोटोनेमा आपका स्पोर्स से बना है, और दूसरी जो सेकंड लीफी स्टेज है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ लेटरल बड। हाँ, बेसिकली सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, है ना? ये बात आपने सही कही कि लेटरल बड है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैसा होता है, एज आ, क्या बोला बच्चे अभी किसी ने बोला था, एज आ, जल्दी बोलो, लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड गगन, ठीक है। अब इस ये लेटरल बर्ड क्या होती हैं, ये अपराइट आपके क्या निकालती हैं, एक्सेस निकालती है, जिसमें क्या होता है लीव्स अराउंड होती हैं, इसके अराउंड लीव्स होती हैं, इसीलिए हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, लीफी, ठीक है। एंड यू नो दैट दे विल बी अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय Rhizoids. And the difference here, the rhizoid of liverwort is unicellular. Write down, okay? And the rhizoids of mosses are multicellular. These are multicellular rhizoids. Clear hai beta? Yes. ठीक है। और साथ साथ क्या होते हैं ये? ब्रांच्ड होते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बनाओ बच्चों। डन सर। बाकी बच्चे बनाओ। डन सर। अच्छा, जब हमने इसको जुवेनाइल स्टेज कहा तो ये कौन सी स्टेज हो गई? एडल्ट। एडल्ट स्टेज बना लिया? यस सर। डन सर। नो सर, वेट सर, वेट। ओके बेटा,
डन सर ठीक है सबका हो गया यस सर ठीक 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 आगे देखो बच्चा अब बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की देखो रिप्रोडक्शन में पहला जो होगा दैट विल बी वेजिटेटिव ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल मान लो इसको कैसे होगा बच्चे बाय फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन और दूसरा एंड बडिंग बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटो ठीक है चलिए ये हो गया अब दूसरा सेक्सुअल सेक्सुअल में यू ऑल नो दैट मैंने आपको पीछे भी लिखाया है इसको ये क्या है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेम है ना कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बस क्या है कि स्पोरोफाइट जो रहता है इनका ज्यादा इलेबोरेट रहता है बस ये लाइन लिख लो बस सेम रहेगा जो मैंने एंथ्रेसॉइड्स आएंगे और आर्किगोनियम एग को फ्यूज करेंगे जायगोट बनेगा जायगोट आपका स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा देन अगेन गैमेटोफाइट इतनी बात समझ में आ रही है यस सर बट द थिंग इज द स्पोरोफाइट बस नाम याद बस लाइन याद रखना और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेटेड देन लिवर वॉर्ट्स चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल है इसके मर्केंशिया फोनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम लिख लें डांसर हो गया बच्चों यस सर चलिए फिर आगे देखिए ओके सर एक मिनट बैक स्लाइड दिखाना लिख लिया yes, sir. अब हम बात करेंगे इनमें इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस है क्या है ना कि पहली चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप है ठीक है एक लिवर वॉर्ट और दूसरा मोजेस ठीक है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मोजेस की आपको याद रखनी है कि मोजेस क्या है मोजेस क्या करते हैं मोजेस में क्या होता है मतलब मोजेस ध्यान रखिएगा ठीक है तो कुछ मोजेस ऐसे हैं सम मोजेस आर यूज्ड और प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स है ना चढ़ने वाले मैमल होते हैं ना yes, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं और बर्ड्स के लिए भी एंड एक्सेट्रा कुछ और के लिए भी करते हैं ठीक है एक हमने एग्जाम्पल लिखा था स्फेग्नम याद आ रहा है yes, स्फेग्नम क्या है स्फेग्नम से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीट स्फेग्नम प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है पीट और इसको इस्तेमाल करा जाता है एज फ्यूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट
ठीक है बेटा, स्वेगनम से क्या मिल रहा है बच्चों आपको? फ्यूल। फ्यूल, इतनी बात समझ में आएगी। और उसका नाम क्या है बेटा? पीट। पीट, ठीक है। अब स्वेगनम में ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट, स्वेगनम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है बेटा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हम पैकिंग करते हैं उन मटेरियल का जो कि शिपमेंट से जाते हैं। शिपमेंट समझ गए? ठीक है, जैसे बारिश वारिश हो गई तो भीगे ना, और समुद्र के रास्तों से या जिसके भी रास्तों से जाना है उस रास्ते से चले जाएं। क्यों? क्योंकि स्वेगनम के पास क्या है बेटा? स्वेगनम हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसकी जैसे हमने अभी कल मैंने पढ़ाया था आपको, दो ऐसे एल्गी बताए थे जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन कौन से? पलक। यस सर। कौन कौन से एल्गी बताए थे? निशांत सर, कृतिका, अक्षर सर, एल्जिन एंड कैरियोजिन। So, honey, algin and carrageen. Algin is produced by which algae? Brown algae. And carrageen is produced by? Red algae. Red algae, है ना? तो जो sphagnum है, वैसे ही water holding capacity रखता है। तो इनको हम कहाँ use कर लेते हैं? So that used as packing material. ठीक है, पैकिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखिए, प्लांट के सक्सेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखो बेटा, सक्सेशन समझते हो? नो सर। सक्सेशन होता है आना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस दुनिया में कुछ नहीं था, चट्टानें थी, चट्टानों से क्या बनी? जमीन, जमीन से क्या हुआ? फिर पेड़ आए। ऐसा ही तू हुआ था कुछ? हाँ, ना ठीक है, था कुछ नहीं, ये एक चट्टानें थी। चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रॉक, है ना। तो रॉक की विदरिंग से, विदरिंग समझते हो क्या बनती है बेटा? सॉइल। वेरी गुड, सॉइल बनती है। तो जब तक सॉइल नहीं बनेगी तब तक क्या नहीं आ सकते? प्लांट्स नहीं आ सकते, है ना। बहुत मतलब वैसे प्लांट्स, मतलब फ्लोरा, जैसे बड़ी बड़ी अगर जो हायर प्लांट्स है, ठीक है, छोटे मोटे प्लांट जो एक्वाटिक है वो तो आ जाएंगे, या फिर जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका रोल, ब्रायोफाइट्स का क्या काम था? सबसे पहले आके ग्रो करने लगे लाइकन्स। ध्यान से सुनना, क्या ग्रो करने लगे? लाइकन, रॉक्स पे। तो इन्होंने क्या करा, लाइकन के साथ मिलके रॉक को क्या करना शुरू कर दिया? वेदर। हाँ, वेदरिंग करना शुरू कर दिया, लाइकन्स प्लस ब्रायोफाइट्स। इन्होंने क्या करा, रॉक को वेदरिंग करी बाय डिकम्पोजिंग इट, ठीक है। अब डिकम्पोज करा, डिकम्पोज करने के बाद क्या हुआ कि वे स्टेबल बन गया फॉर द ग्रोथ ऑफ विच प्लांट? तो दे हैव अ रोल इन प्लांट सक्सेशन। आपने क्लास ट्वेल्थ में सक्सेशन पढ़ा होगा, इकोलॉजी अगर पढ़ी हो, जिरार्च एंड मेजार्क, है ना, जेरिक एंड मेजिक पढ़ा होगा। यस सर। प्लांट सक्सेशन, भाई वाटर से लैंड की तरफ, लैंड से वाटर की तरफ, और बीच में आ जाते हैं हाइड्रार्च वगैरह, ठीक है बेटा। रोल इन प्लांट सक्सेशन, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये बना रहा हूं, एक मिनट बेटा, एक जमीन है, ठीक है, थोड़ी बढ़िया से बनाते हैं। ये क्या है बच्चों? जमीन है, ठीक है। इस जमीन पे आपके कुछ एरिया में ग्रो हो गए हैं क्या? मॉसेस, ठीक है, मॉसेस। ये है आपकी लैंड और ये ग्रो हो गया बच्चों मॉसेस। अब मॉसेस ने क्या काम करा, डेंस मैट बना लिया। डेंस मैट समझ रहे हैं ना, कालीन सा बिछ जाता है,
ठीक है, yes, sir. अब एक डेंस मैट बना लिया ऑन द सॉइल, अब क्या हुई बड़ी घनघोर बारिश, बारिश हुई। बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, हाँ या ना, मिट्टी बहेगी नहीं बहेगी, yes, है ना बच्चों। तो बाकी की जमीन जो थी वो बह गई, पर बची कौन सी, जहां पर कौन ग्रो कर रहा था, मोजिस ग्रो कर रहा था, बात समझ में आई। तो मोजिस प्रिवेंट व्हाट, सॉइल इरोजन। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, yes, सब बच्चों को, yes, sir. Moses prevent soil erosion. ठीक है, लिख लो बेटा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे दूं आपको एक आध, फिर आप क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है। ऑप्शन है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसके बीच में बेटा, ऑर्गेनिज्म। चलिए पहला ऑप्शन ये हो गया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा है रिप्रोडक्टिव और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। लास्ट ऑप्शन है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लिखें आंसर दे, ये रहे आपके पोल्स। दिख गया बच्चों, यस सर। चलिए आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर देंगे, 60 स्टूडेंट हैं लगभग, 59-60 जो भी हैं, सारे आंसर दो, जल्दी जल्दी दो। सर फर्स्ट स्लाइड को दिखा देना एक बार।
दिख रही? सर इससे आगे वाली भी यस ठीक है। चलिए बेटा मैं एंड पोल कर रहा हूं, क्या करेक्ट आंसर है बच्चे? वेजिटेटिव एंड मॉर्फोलॉजिकल। हाँ भाई वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो बेस्ड है। ठीक है चले बेटा, कोई दिक्कत किसी को? एक और क्वेश्चन करोगे? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिए, आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार किससे ऑब्टेन्ड होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका क्लोरेला जिलेडियम, क्लोरेला एंड जिलेडियम। ठीक, दूसरा ऑप्शन है क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। तीसरा ऑप्शन है बेटा ग्रेसिलेरिया एंड स्पायरुलिना। ठीक, लास्ट ऑप्शन है ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए आंसर दीजिए, नॉलेज मिलता टू पर लॉन्च हो गया। हाँ जी बेटा, ठीक है बच्चों, यस सर। मैं इसको एंड कर रहा हूँ पोल को, देखो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ग्रेसिलेरिया एंड गैलेडियम, ग्रेसिलेरिया एंड गैलेडियम जिलेडियम, है ना। तो इन दो से आपका क्या प्रोड्यूस होता है? अगार होता है। अच्छे बताना बच्चे, अगार का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अगार? सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग, हाँ सॉरी दोबारा बोलना साहिल सर। अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज। ओके, आइसक्रीम, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अच्छा, इसके अलावा कहीं और भी यूज होता है ये? फूड स्टफ्स में? नहीं नहीं, फूड्स में, फूड्स में, फूड एज अ फूड मतलब नहीं खा सकते इसको, डायरेक्ट नहीं खा सकते। देखो बच्चों, आपने सुना होगा क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा कुछ माइक्रोब्स को किसी प्लेट पे ग्रो कराया जाता है। यस सर। ठीक है, वो प्लेट में एक मीडिया होता है जिसको हम कहते हैं कल्चर मीडिया, जिसपे माइक्रोब्स ग्रो होते हैं।
कल्चर मीडिया को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? अगार, है ना। तो एक लाइन ये भी लिखना चाहो, फॉर ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप कई दिन से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे सिलेबस के, आज मेरे पास वक्त है क्योंकि आज मुझे सिर्फ ब्रायोफाइट पढ़ाना है। द फ्यूल पीट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मॉस, ठीक है, किससे बनता है बेटा? एक मॉस है। उस मॉस का नाम क्या है वो आपको देना होगा करेक्ट आंसर। पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, फुनेरिया एंड मर्केंशिया। चलो बच्चों आ जाते हैं अब नॉलेज मीटर 3 पे। चलिए ठीक है बच्चों, एंड कर दूं उसको मैं। यस ठीक है, तो परसेंटेज करेक्ट की तो 83% है। आंसर क्या बेटा? स्फैग्नम। स्फैग्नम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन रेड एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पहला ऑप्शन है आइसोगैमस, दूसरा ऑप्शन है एनाइसोगैमस, और तीसरा ऑप्शन है बेटा ऊगैमस, एंड लास्ट इज ऑल दिस। चलिए आंसर दीजिए बेटा।
हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। I have ended this question and the correct answer is Oogamous. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी और अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोरिडियन स्टार्च। इज सिमिलर टू, ठीक है, किसके सिमिलर होता है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, सेकंड इज इनुलिन, इनुलिन इज अ सॉर्ट ऑफ स्टार्च फाउंड इन डालिया, थर्ड ऑप्शन सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन काइटिन। चलिए सॉल्व करिए, चलो बेटा सॉल्व करो। हाँ जी बच्चा, लोग हुआ, चलिए 10 सेकंड और दे रहा हूं उसको, करिए फिर छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, आई हैव एंडेड द पोल, यू टुक टू मच टाइम। करेक्ट आंसर इज बेटा ग्लाइकोजन। रिमेंबर दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। ठीक है, तो आज हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया, ठीक, और कल हम पढ़ेंगे बेटा टेरिडोफाइट्स, कल भी आपके बॉट नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।